हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजीत सर ट्रिपल एस एस 88। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 जो वीडीआई क्वेश्चन है, अक्सर देखा जाता है 1 ईयर्स 2 ईयर्स के बाद ये क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसे एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्सप्लेन जो है यानी कि कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट पावर। इसके कॉन्सेप्ट को समझ ले तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। यानी कि दो संख्या है उनके स्क्वायर का माइनस करें, अगर दोनों के स्क्वायर का माइनस करें तो कितना आता है 180। सपोज कीजिए कि कोई संख्या मालूम तो नहीं है, तो मान लीजिए एक संख्या x है दूसरा संख्या y है, दोनों को स्क्वायर कर दे और उनके डिफरेंस यानी माइनस कर दे तो कितना आना चाहिए 180। तो इस प्रकार से कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिए, अभी तो इस प्रकार से कर लिए, अब समझना है आगे। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी छोटी संख्या का स्क्वायर इज 8 times, छोटी संख्या का जो स्क्वायर है 8 गुना है द लार्जर नंबर, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, हमें फाइंड करना है टू नंबर्स। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्व। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे बात कर दिया स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर, तो सबसे पहले स्मॉलर और लार्जर मान लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट बी, माना कि लार्जर नंबर या स्मॉलर नंबर जिसे आप मानना चाहते हैं उसे फर्स्ट में मान सकते हैं। लार्जर नंबर इक्वल टू एक्स, लार्जर नंबर को मैंने क्या मान लिया फ्रेंड्स एक्स, एंड स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर इक्वल टू क्या मान लिया मैंने वाई। इस प्रकार से तो आप कहेंगे फ्रेंड्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है तो आप वाई क्यों मान रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक्स वाई आप मान सकते हैं, लेकिन जब उसका इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि वन ही वेरिएबल में होना चाहिए, यानी या तो एक्स के टर्म में पूरा होना चाहिए या तो वाई के टर्म में होना चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं, एंड स्मॉलर नंबर वाई, अब चलना है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न से जो प्रश्न ने बोला, क्या बोला कि दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180। तो देखिए लार्जर नंबर का स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि लार्जर नंबर कितना है एक्स, तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद स्मॉलर नंबर का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, इनका डिफरेंस, डिफरेंस यानी माइनस, दोनों का डिफरेंस कितना 180। तो इस प्रकार से यहाँ तक सॉल्व हो गया फ्रेंड्स, इतना तक तो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या करना है, अगेन भी लिख सकते हैं, अगेन अगेन देखिए द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर कौन सा है फ्रेंड्स वाई, तो वाई का स्क्वायर इक्वल टू 8 times ऑफ द लार्जर नंबर, बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या क्या है लार्जर नंबर एक्स, तो इसका 8 गुना यानी 8 से गुना 8x हो गया। अब क्या करना है फ्रेंड्स समझिए, हमें करना होगा पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। यानी कहा जाए हमें वैल्यू पुट करना है किसमें, वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है इस इक्वेशन में। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, जिस इक्वेशन में रखना है उस इक्वेशन को सो कर दिया। अब ध्यान देना है फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर, एक्स की कोई वैल्यू नहीं आई है तो इसे ऐसे ही रख लीजिए, माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 8x, तो 8x रख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इक्वल टू 180 टू 180, अब कोई पूछे फ्रेंड्स 8x कहाँ से आया, तो देखिए y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8x, यानी y स्क्वायर की वैल्यू 8x पुट कर दिया। अब ध्यान देना है आगे की ओर क्या करना है फ्रेंड्स, तो आगे देखिए x स्क्वायर माइनस 8x ये प्लस में है तो इधर आकर कितना हो जाएगा माइनस में इक्वल टू 0। इस प्रकार से देखिए हमारा जो इक्वेशन बना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये जो है ओनली वन वेरिएबल में आ गया x के टर्म में,
इस प्रकार से इक्वेशन बन गया। अब मुझे करना क्या है फ्रेंड्स, इसे सॉल्व कर लेना है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है फ्रेंड्स, तो इसे रब कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए अब मुझे करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए, ध्यान दीजिए इस प्रकार से इक्वेशन आ गया। तो अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस वन एटी इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसका सिस्टम क्या है, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला से बना लीजिए या तो फैक्टोराइजेशन मेथड से बना लीजिए। तो मैं यहाँ फैक्टोराइजेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं तो वन और एक 180, मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद कैसे भी करके अपना 8 आना चाहिए, तो किस प्रकार से आएगा आप देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से हम लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 10x 18x और प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू जीरो। इस प्रकार से क्या मिला फ्रेंड्स मुझे, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस प्लस घट आएंगे तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 10 इक्वल टू 8, माइनस 8 आना चाहिए, माइनस 8 आ गया। मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आना चाहिए जिसका फैक्टर कर रहे थे, 18 10 जा 180, इस प्रकार से हो गया फ्रेंड। अब मुझे क्या करना है, x को कॉमन लेना है, बचा क्या x माइनस 18, उसके बाद क्या होगा प्लस 10 कॉमन, तो बचा क्या x माइनस 18 इक्वल टू जीरो। मैं जब भी इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करता हूं फ्रेंड्स, तो आपको एक बात याद दिलाता हूं कि दोनों का जो ब्रैकेट है मैच करना चाहिए, मैच कर गया तो जो मैच करता है उसे कॉमन में लिख लेना है और जो मैच नहीं किया उसको एक बार लिख देना है, इस प्रकार से x प्लस 10। तो ध्यान दीजिए यहाँ तक आ गया, अब इसका जीरोस निकाल लीजिए, जीरोस निकालेंगे तभी अंतर फाइंड होगी। तो जीरोस निकालते हैं, x माइनस 18 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, माइनस है तो प्लस में। उसके बाद देखिए इधर x प्लस 10 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस 10, नॉट पॉसिबल क्योंकि स्क्वायर माइनस में नहीं होगा। तो मुझे करना क्या है आप आगे की ओर ध्यान दीजिए, एक नंबर तो x की वैल्यू आ गई 18, तो x की वैल्यू x किसे माने थे, लार्जर नंबर, तो हम लिखेंगे हेंस लार्जर नंबर इक्वल टू 18। तो अब क्या करना है मुझे, अ स्मॉलर नंबर फाइंड करना है, देन अ स्मॉलर नंबर इक्वल टू, अ स्मॉलर नंबर इक्वल टू क्या हम लोग लिखे थे, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, इस प्रकार से हम लोग किए थे। तो ध्यान दीजिए y स्क्वायर, y की वैल्यू अभी तक नहीं आई है, इसे ऐसे ही लिख दीजिए और इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई, यहाँ पे वेरिएबल n को इससे के बीच में मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 18, 18 लिख देंगे, y स्क्वायर इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 144, तो y इक्वल टू स्क्वायर हट गया तो क्या हो गया अंडर रूट, तो y इक्वल टू 12, तो 12 प्लस में हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्मॉलर नंबर इक्वल टू 12। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से लार्जर नंबर 18 और स्मॉलर नंबर 12। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।